यही माला विजयी तिलक और विजयी आंसू उतार के विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। और क्या कहते हैं, बोले कृष्ण के वचन हमारा, 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 अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, बोले कृष्ण के वचन हमारा, बोले कृष्ण के वचन ये वचन दिया। बलबुरी से कहा अपना स्वरूप अपना अनुरूप और अपना नाम करण दिया। और अब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे गीता का उपदेश सुनाया था, कलयुग की कथा सुनाई थी, तुझे समझ नहीं आई थी, आज फिर तुझे गीता का उपदेश सुनाता हूं, कलयुग की कथा सुनाता हूं। जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था और मैं चीर बना रहा था, तो दुर्योधन को देख के मैंने विचारा था, दुर्योधन आज तेरी बारी है, और जिस दिन मेरी बारी आएगी तुझे कुछ नजर नहीं आएगा। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसको तगा किया है जाकर उसका घर देखो, जिसने जिसको तगा किया है जाकर उसका घर देखो। कौन पांड जुआ खेले सकले पासा फेंक रहा, कौर पांड जुआ खेले सकुनी पासा फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा, बिना शस्त्र के वंश मिटाया, बिना शस्त्र के वंश मिटाया, लीला प्रभुवर की देखो, जिसने जिसको तगा किया है जाकर उसका घर देखो। हे मनमोहन, आप युगो युगो की जानते हैं, हम तो कल की नहीं जानते, हम तो आपके चरणों के दास हैं मनमोहन, और आप युगो युगो की बातें करते हैं, हम कहां से समझ पाएंगे। आज आपने बड़ी सरलता से गीता का उपदेश सुनाया है, आज मुझे समझ में आया है, और अब मुझे कलयुग की कथा भी सुना दो, उसकी महिमा भी मुझे बता दो। हे अर्जुन, महाभारत का युद्ध जब होने वाला था, उसी समय पांडव पुत्र बर्बरिक स्वरूप हमने धरती पे उतारा था, और ये पांडव पुत्र बर्बरिक
अपना शीश का दान देगा, अपने वंश से रक्षा करके कलयुग में अवतार करेगा और मेरे नाम से पूजा जाएगा। जो इसके तल पे आएगा कोई खाली नहीं जाएगा, जो श्याम नाम गाएगा वो जीवन भर मोक्ष को पाएगा। बोल श्याम गाने की जय हो। आपने कलयुग की कथा भी बड़ी सरलता से हमें समझा दिया, आज हमें समझ में आया है। हम तो कल की चिंता करते हैं पर आप युगो युगो की चिंते हम करते हैं। बोल मनमोहन बिहारी लाल की जय हो। बर्बर की भगवान कृष्ण और अर्जुन की वार्ता को सुन के बहुत हर्षित हो रहा था। हे भगवान, आपने मुझे क्षत्रियपुत्र पांडव पुत्र बना के मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपसे शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और फिर उस महाभारत में अपना शीश का दान देके अपने वंशज की और कलयुग में भक्तों का मैं उद्धार करना चाहता हूँ। बर्बरी भगवान कृष्ण को नमन करते हुए अपने वंशज युधिष्ठिर, पिता श्री भीम, अर्जुन, नकुल और सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में मंत्रों के द्वारा किस प्रकार नमन करता है। श्याम शरणम मम, श्याम शरणम मम का भावार्थ है कि मैं आपके चरणों में समर्पण हूं। तो सभी ताली बजाएंगे और अपने मुखार विंद से गाएंगे कि प्रभु हम भी आपके चरणों में समर्पण हैं। श्याम शरणम मम, श्याम शरणम मम, श्याम शरणम मम, जैसे